हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ट्रेनिंग की कैसे जाती है जिससे कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, आपके बॉडी में नोटेबल चेंजेस देखे। ऐसी ट्रेनिंग कैसे की जाती है आज मैं आपको बताऊंगा। दिस इज योर वेरी ओन फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच जयेश पाटोड़े। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको मेरी तरफ से 2400 रुपीज का फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। सो हाउ टू डू अ ट्रेनिंग और वर्कआउट जिससे कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, आपके बॉडी में नोटेबल चेंजेस हो पाए, तो उसके दो प्रिंसिपल है दोस्तों। पहला है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली करना है, मतलब जितना भी आपने टाइम डिसाइड किया कि मैं 6 महीने में, 3 महीने में या फिर 1 साल में अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, उतना कंसिस्टेंटली आपको जिम में जाना है या फिर जो भी आप वर्कआउट चूज करते हैं उसको रेगुलरली करना है। वो 3 डेज अ वीक हो सकता है, 5 डेज अ वीक हो सकता है, 6 डेज अ वीक हो सकता है। आपको कंसिस्टेंटली करना है तभी आपको चेंजेस मिलेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रोग्रेशन, मतलब आपकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स, जिससे कि बॉडी को उसकी आदत ना पड़े और हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न करे, मसल बनाए और हमको बेनिफिट मिल सके। सो ये प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं आपको हर जिम में जो भी ट्रेनिंग मेथड्स है या फिर अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स है उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, इसको कैसे यूज करना है ताकि आपको नोटेबल चेंजेस मिले। सो अभी हम देखते हैं कितने सारे ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं और मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेनिंग मेथड में कैसे प्रोग्रेशन लाना है और कैसे आपको चेंजेस मिलेंगे। पहला है जिम। जिम तो आपने सुना ही होगा, जिम जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो वो है। सेकेंड है आउटडोर या होम ट्रेनिंग जहाँ पे आप विदाउट इक्विपमेंट्स ट्रेन करते हो। थर्ड है योगा, फोर्थ पावर योगा, उसके बाद डांस और जुम्बा, और फिफ्थ स्विमिंग। काफी लोग स्विमिंग पसंद करते हैं, तो ये सारे ट्रेनिंग मेथड्स है। उसके बाद आता है मार्शल आर्ट्स या फिर किकबॉक्सिंग। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट्स भी है, तो उसमें भी आपको प्रोग्रेशन कैसे लाना है और आपको अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप उसमें कैसे वर्कआउट कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। सो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके बॉडी में नोटेबल चेंजेस आने के लिए, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आपको प्रोग्रेशन कैसे करना है, तो आपको एवरी वीक करना है। एवरी वीक कुछ ना कुछ आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है तभी नोटेबल चेंजेस दिखेंगे। तो एवरी वीक का हिसाब रखोगे तो बॉडी को आदत भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली वो कर भी पाओगे। सो अब सारे ट्रेनिंग जो मेथड्स है उसके आप प्रोज एंड कॉज भी बताता हूँ मैं, और उसमें प्रोग्रेशन कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो पहला है जिम। जिम इज वेरी आइडियल टू डू योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि उसमें प्रोग्रेशन बहुत इजीली अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो 6 की स्पीड पे ये वीक, तो अगले वीक आप 7 की स्पीड पे भाग सकते हो, उसके अगले वीक आप 8 की स्पीड पे भाग सकते हो। ऐसे इजीली प्रोग्रेशन अवेलेबल है। और सेम कि आप डंबल लिफ्ट करें, समझो अभी आप 10 kg का फॉर अ सर्टेन एक्सरसाइज जैसे कि चेस्ट प्रेस है, फिर उसके अगले वीक आप उसको 12 kg से प्रोग्रेस कर सकते हो, 14 kg से कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आप डंबल्स में वेट्स इंक्रीज कर सकते हो, इससे आपको इजीली प्रोग्रेशन अवेलेबल हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ पाती है। तो जिम इज वेरी आइडियल टू डू योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि प्रोग्रेशन बहुत इजीली अवेलेबल है और आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड है आउटडोर ट्रेनिंग या होम ट्रेनिंग, जिसमें आप कोई भी इक्विपमेंट्स यूज नहीं करते, नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो और अपने बॉडी वेट को यूज करके आप वर्कआउट करते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सेकेंडरी आता है जिम के रिलेटेड अगर आप सोचो तो, क्योंकि जिम में बहुत इजीली प्रोग्रेशन अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ही डिसाइड करना होता है कि आपको क्या वर्कआउट करना है और प्रोग्रेशन भी आपको खुद डिसाइड करना होता है। और सबसे बड़ी चीज, आपको हर एक फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए कि ये वर्कआउट का फॉर्म कैसे करेक्ट है आपको पता होना चाहिए, और उसमें प्रोग्रेशन कैसे लाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज, आपको पता होना चाहिए कि हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज है जो मैं घर पे या आउटडोर में कर सकता हूँ और उसको प्रॉपरली करना है और उसमें प्रोग्रेशन लाना है। अब प्रोग्रेशन कैसे लाना है मैं दोस्तों बताता हूँ आपको। समझो आप ये वीक अभी 10 पुशअप्स कर रहे हो, तो अगले वीक आपको 12 पुशअप्स करना है, उसके अगले वीक आपको 14 पुशअप्स करना है, उसके अगले वीक आपको 16 पुशअप्स करना है। ऐसे धीरे धीरे आप प्रोग्रेशन उसमें बढ़ा सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है पर अगर आपको ये पसंद है तो आप इजीली कर पाओगे। तीसरा ट्रेनिंग मेथड है स्विमिंग। काफी लोग को स्विमिंग करना पसंद है, उससे आप आपका वेट लूज भी कर सकते हो या फिर आपको थोड़ा बहुत एस्थेटिक दिखना है तो आप उससे कर सकते हो। मसल ज्यादा गेन नहीं होगा क्योंकि मसल के लिए ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, पर आपका कार्डियो काफी अच्छा खासा हो जाएगा और एजिलिटी काफी अच्छी बढ़ेगी स्विमिंग करते हो तो। आपको तो स्विमिंग कैसे करना है, आप समझो 1 घंटे का सेशन कर रहे हो स्विमिंग का, कमर्शियल में जाओगे तो 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे का सेशन होता है, या फिर आपके पास अगर पूल अवेलेबल है आपके सोसाइटी में या आपके घर में, तो आपको कैसे करना है, 1 घंटे का ही सेशन रखना है और उसमें समझो आप
10 लैप्स कर पा रहे हो आपके स्विमिंग पूल के, तो आपको क्या करना है, वही नेक्स्ट वीक आपको 11 लैप्स करने को ट्राई करना है, उसके अगले वीक आपको 12 लैप्स करने हैं, उसके अगले वीक आपको 13 लैप्स करने हैं, सेम एक घंटे के टाइम। इससे क्या होगा, आपका टेक्निक इंप्रूव होगा, आपका कार्डियो और इंटेंसिटी बढ़ेगा, इससे आपको नोटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपने प्रोग्रेशन बढ़ाया उसी सेम पीरियड ऑफ टाइम में। और फिर एक टाइम अगर ऐसा आ जाएगा जिसमें आपने एक घंटे में इतने ही लैप्स कर सकते हो, तो आप टाइम भी बढ़ा सकते हो। तब तक आपको टाइम नहीं बढ़ाना है, आपको अपना लैप बढ़ाना है सेम पीरियड ऑफ टाइम में, तभी आपको स्विमिंग में प्रोग्रेशन मिलेगा और आपके बॉडी में चेंजेस आ पाएंगे। फोर्थ, डांस या जुम्बा, ये दोनों भी बहुत ही अच्छे कार्डियो और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है दोस्तों। मसल बनाने के लिए इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि मसल को इतना मूवमेंट और उसको उतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं मिलता, बट आपको अगर कार्डियो ही करना है, आपका वेट लॉस ही करना है, फैट लॉस ही करना है और बॉडी में थोड़ी एजिलिटी बढ़ानी है, तो डांस और जुम्बा बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें कैसे ट्रेनिंग करनी है, अगर आपको पता होगा आपने की है या आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव करते, तो 5 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी डांस और जुम्बा भी आपको थका सकता है, आपको काफी अच्छा वर्कआउट मिल सकता है उससे। तो आपको सेम करना है, 5 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स करने हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है डांस और जुम्बा में, और एवरी वीक उसको 1 मिनट से बढ़ाना है। मतलब ये वीक आपने 5 मिनट्स किया, उसके अगले वीक आपको 6 मिनट करना है, उसके अगले वीक आपको 7 मिनट करना है, ऐसे ही एवरी वीक आपको हाई इंटेंसिटी बढ़ाना है और उसमें नए नए पावर मूवमेंट्स डालो, नए नए इंटेंसिटी बढ़ाओ। तो उससे क्या होगा, बॉडी यूज टू नहीं है तो उसको सीखने के लिए बॉडी और एनर्जी स्पेंड करेगी और कैलोरीज बर्न करेगी, तो आपको इफेक्ट आता जाएगा। तो आपको सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है कि एवरी वीक इसमें प्रोग्रेशन करना है, जो भी आप मूवमेंट्स कर रहे हो उसमें हाई इंटेंसिटी के साथ, तभी आपको नोटेबल चेंजेस मिलेंगे अगर आप डांस या जुम्बा यूज करते हो एज योर ट्रेनिंग मेथड। फिफ्थ, किकबॉक्सिंग या मार्शल आर्ट, आज के डेट में बहुत अलग टाइप का किकबॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स होता है जो जिम में होता है, जिसमें खाली पंचिंग या किकिंग मूवमेंट्स में ही फोकस होता है, उसमें वो इंटेंसिटी करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ फंक्शन ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, पर वो रियल किकबॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स नहीं है। जो रियल किकबॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स है, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से सिखाया जाता है, उसमें कैसे कटाज होते हैं जो कि एक कोरियोग्राफ मूवमेंट होता है हर एक पंचिंग मूवमेंट और किकिंग मूवमेंट का। इससे क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन या फिर जो कंपटीशन फाइट्स है उसमें वो पंचिंग और किकिंग मूवमेंट्स इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। तो हमको क्या करना है, सेम अगर आप कटास कर रहे हो या फिर नॉर्मल किक बॉक्सिंग कर रहे हो, तो उसमें कैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करना है। समझो आप ये कटा कर रहे हो जो लेवल 1 का है, लेवल 2 का या लेवल 3 का है, आप वो कर रहे हो, तो उसमें समझो 25 किक मूवमेंट्स है, तो आपको क्या करना है, उसको और इफेक्टिवली और प्रिसिशन से करने की कोशिश कर रही है और किक्स का इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो आपको 25 किक्स कर रहे हो तो अगले वीक 27 करो, उसके अगले वीक 30 करो। समझो आप नकल पुशअप्स कर रहे हो, 10 पुशअप्स कर रहे हो अभी, तो अगले वीक आप 12 पुशअप्स करो, उसके अगले वीक आप 14 पुशअप्स करो। ऐसे धीरे धीरे आप मार्शल आर्ट्स में या किकबॉक्सिंग में इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तभी आपको नोटेबल चेंजेस दिखेंगे आपकी बॉडी में और आपको स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जो भी आप फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो वो इंक्रीज होगा। सिक्स, योगा वर्सेस पावर योगा, इसको मैंने एक ही साइड में एक ही सेशन में रखा है क्योंकि थोड़ा सिमिलर टाइप है, पर इसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है मैं बताऊंगा। योगा इज रियली गुड दोस्तों फॉर कनेक्टिंग योर ब्रेन, योर बॉडी एंड योर सोल, बहुत अच्छा है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा चेंजेस लाने के लिए, नोटेबल चेंजेस कराने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको एक बार वो पॉस्चर आ गया या फिर वो पर्टिकुलर मूवमेंट आ गई तो आप उसको घंटों तक कर सकते हो, आपको ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पावर योगा कर रहे हो जिसमें योगा के मूवमेंट्स को या पॉस्चर्स को पावर मूवमेंट्स के साथ ऐड किया गया है, जैसे कि उसमें वेट्स है, जंपिंग मूवमेंट्स है, फंक्शनल ट्रेनिंग है, इससे क्या होता है उसका इंटेंसिटी हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं मूवमेंट्स डाल के, वेट्स डाल के, तो हमको नोटेबल चेंजेस मिलते हैं और हमको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए प्रोग्रेशन मिलता है। और प्रोग्रेशन किससे क्या आता है दोस्तों, बॉडी में चेंजेस और नोटेबल आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। तो पावर योगा इज मोर इफेक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आपके बॉडी में नोटेबल चेंजेस लाने के लिए, आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों होप मैंने आपको ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन किया और ट्रेनिंग कैसे करनी है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। वर्कआउट के वीडियोस तो मैं एक एक करके डाल ही रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको मिलता है 2400 रुपीज का फ्री गिफ्ट, जो कि है मेरा हाउ टू डू योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वेबिनार, जो मैं ऑनलाइन खुद लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ रियल टाइम में, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कि कैसे करना चाहिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेरा मेथड मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसमें जाइए, रजिस्टर कीजिए, फिर हम लोग वेबिनार में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज जयेश पाटोई, योर वेरी ओन फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एंड आई अप्रूव दिस मैसेज।